हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट सी बघेल सर। यू ऑल आर वाचिंग हैशटैग गोंदिया चैनल। आज मैं आपको रायपुर सिटी के बारे में जानकारी दूंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा। इसे मंदिरों और तालाबों का शहर कहते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक शहर है ये। खारून नदी के तट पे बसा हुआ है। वैसे तो ये मेरी ससुराल भी है और ननिहाल भी है, मामा गाँव भी है। यहाँ देखने के लिए बहुत सारे जगह है। ये विवेकानंद आश्रम है जो आमाफारा से सिर्फ आधे मिनट की दूरी पे है। कहते हैं कि विवेकानंद जी 2 साल यहाँ ठहरे हुए थे। यहाँ भगवान रामकृष्ण परमहंस की बैठी अवस्था में संगमरमर की बड़ी शानदार मूर्ति है। यहाँ पर आने पे मन को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है और बड़ी मन में श्रद्धा जगती है। बिल्कुल समझ लीजिए कि 1 मिनट की अंतराल पर ही है आमाफारा बाजार से। ये विवेकानंद आश्रम बहुत ही नज़दीक है और ये घड़ी चौक है, नगर घड़ी भी कहते हैं इसे। डीके हॉस्पिटल के पास कचहरी के सामने में है। अच्छी ऊंची है, बहुत ही सुंदर लगती है, बड़ा ही रौनक लगता है इसे देखकर। यह सौर ऊर्जा पार्क है। ये 7 किलोमीटर दूर VIP रोड पर स्थित है। सोलर एनर्जी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। बहुत ही सुंदर तरीके से सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण किया हुआ है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर सौर ऊर्जा के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। यहाँ पर बैठने घूमने की भी अच्छी व्यवस्था वगैरह है, बड़ा ही प्रभावशाली तरीके से बनाया हुआ है। ये रायपुर से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये पुरखौती मुक्तांगन कहते हैं इसे। अच्छा, इसका उद्घाटन अपने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के हाथ से हुआ था। बहुत सुंदर है ये और ये आदिवासी संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ की सुंदरता, प्रकृति, क्या बात है, वाह, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, इतना सुंदर है ये। अब ये है नंदनवन जंगल सफारी जो कि रायपुर सिटी से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर आप जंगली जानवर देख सकते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को देख सकते हैं। अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य छटा बिखेरे हुए नंदनवन जंगल सफारी रायपुर का। ये टाउन हॉल है, ये शास्त्री चौक में है और ये ब्रिटिश के ज़माने का है, विक्टोरिया के ज़माने का है। ये अपने आप में अद्भुत पुरातात्विक चीज़ें हैं, इसको संभाल कर रखा गया है, क्या बात है, नज़र हटाए नहीं हटती। ये महंत घासीदास मेमोरियल संग्रहालय है। ये पुरातात्विक चीज़ों का संग्रह है इसमें। और इस संग्रहालय के आसपास में और भी दूसरे संग्रहालय कह लीजिए और भी है। धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जैसे कि इसके बाजू में गुरु तेग बहादुर संग्रहालय है और इसके बाजू में जैसे एक आर्ट गैलरी भी है। स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। ये विवेकानंद सरोवर है। ये विवेकानंद सरोवर को बुद्ध तालाब भी कहते हैं। 37 फुट ऊंची है ये। लिम्का बुक में भी इसका नाम आ गया है। ये झील है। यहाँ पर यहाँ लोग अपने परिवार सहित आते हैं, बड़े मन को शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। रायपुर सिटी में देखने लायक एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं। ये है दुद्धाधारी मठ। ये सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ है। ये है पौराणिक। ये 17वीं शताब्दी का है। ये यहाँ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, सीताराम जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर है और कल्याण ग्रंथ, कल्याण पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। ये इसका दुद्धाधारी मठ का, जैसे अपने गोंदिया में नागरा है 15वीं शताब्दी का, उसी तरह से रायपुर में दुद्धाधारी मठ है। उसी स्टाइल की मंदिर का निर्माण है जैसे नागरा में है। ये बहुत ही अमूल्य धरोहर है जिसे रायपुर वासियों ने संभाल के रखा हुआ है। कोई भी देखता है तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है, एकदम यानी किले के जैसा दिखाई देता है। ये महामाया मंदिर है। ये जो पुरानी बस्ती में स्थित है
रोड के सामने शीतला माता का पौराणिक मंदिर है, उसके पीछे में महामाया मंदिर है, महामाया मंदिर के आगे में वो बूढ़ेश्वर भगवान का मंदिर है, और उसके सामने में रोड के उस पार में बूढ़ा तालाब है। अब एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है मुझे, लेकिन अब जानकारी दे ही रहा हूँ मैं। उस बूढ़ा तालाब में बीच में छोटा सा गार्डन जैसा भी है। माता महामाया मंदिर बहुत पौराणिक मंदिर है। इसका जो स्थापना था उस पौराणिक ज़माने में तांत्रिक विधि विधान से किया गया था। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर माता महामाया मंदिर में, जो पुरानी बस्ती में स्थित है। अब मुझे डिटेलिंग जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं बचपन से रायपुर आता जाता रहा हूँ। मेरा ननिहाल भी है, मेरे ससुराल भी है, अच्छा बहुत सालों तक रहना भी हुआ है रायपुर में। ये ब्राह्मण पारा के पास में कंकाली माता मंदिर है, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, और कंकाली तालाब है। कहते हैं कि त्वचा संबंधी रोग के लिए अगर यहाँ स्नान कर लिया जाए तो ठीक हो जाते हैं। माता का यहाँ शस्त्रागार भी है, साल में एक बार खुलता है, लोग दर्शन वगैरह करते हैं। आमा पारा, इसके बाद पंचपत पारा, फिर ब्राह्मण पारा, उसके पास में ही काली माता मंदिर और तालाब वगैरह है। देखने में बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। कहते हैं नागा साधुओं ने इसकी स्थापना की थी, इस मंदिर की। इसे महादेव घाट के नाम से बहुत फेमस है रायपुर में। इसे हटकेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं, जो 5 किलोमीटर दूर है रायपुर से। अपने आप में पौराणिक वैभव समय, ये भी पौराणिक मंदिर है, और ये कल्याण पुस्तक में, कल्याण ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। बहुत सारे शिवलिंग, एक बड़ा शिवलिंग है, और ये दिख रहा है ना आपको, बड़ का वृक्ष वगैरह है, और उसके साथ पीछे खारून नदी बहती है, खारून नदी के तट पर है मंदिर। ये वंडरलैंड है ये, जो रायपुर के रायपुरा में स्थित है। बहुत सुंदर है, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। MM फन सिटी करके 16 किलोमीटर दूर उधर है नवागांव में, और रायपुर सिटी से 15 किलोमीटर दूर सदानी दरबार है। ये सिंधी भाई लोग जाते हैं, हिंदू भाई लोग जाते हैं। ये भी बहुत सुंदर है, अच्छा लगता है घूमने के लिए, बैठने के लिए। ये गांधी उद्यान है, ये बहुत ही पुराना उद्यान है, और यहाँ पर घूमना फिरना और सुबह के समय वॉकिंग करना, जॉगिंग करना बड़ा ही अच्छा लगता है, और ये परंपरा बरसों से चली आ रही है गांधी उद्यान। अब यह बंजारी माता का मंदिर है, जो बहुत ही फेमस मंदिर है, और यह रायपुर से दूर रायपुर बिलासपुर मार्ग पर स्थित है। और चैत्र और कुवार में तो यहाँ पर ऐसा मेला लगता है कि अब क्या बताएं आपको। ये महाकौशल आर्ट गैलरी है, ये मैंने ऊपर भी बताया था, महंत घासीदास संग्रहालय के पास ही है। लोकल आर्टिस्ट लोग जो भी अपने आर्ट बनाते हैं तो यहाँ पर प्रदर्शनी उसकी लगाते हैं, बहुत ही सुंदर है। ये अष्टकोणीय स्थिति पे बनी है ये, और ये है तेली बांधा तालाब। बहुत ही शांत झील है, बहुत ही खूबसूरत है, और इसका धार्मिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्व है। बड़े धार्मिक क्रियाकलाप भी यहाँ किए जाते हैं, पर्यटन से ज़्यादा धार्मिक रूप से इसका महत्व है तेली बांधा तालाब का। ये जी रोड पे स्थित है, आकर्षक स्थान है। गुरु तेग बहादुर संग्रहालय, ये महंत घासीदास संग्रहालय के पास है। यहाँ पर बहुत सारे पुरातात्विक चीज़ें हैं। यह है केवल धाम, यानी जैन मंदिर, जैन संप्रदाय वालों का मंदिर है। ये रायपुर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है, दुर्ग रायपुर हाईवे पे स्थित है। बहुत सुंदर है, सफ़ेद संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है। जैनों के जो 22 तीर्थंकर हुए हैं उनके मंदिर है ये। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है, अपने आप में बड़ा धार्मिक वैभव समेटे हुए हैं। यहाँ सात्विक भोजन कुछ अल्प राशि देकर मिल जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। यह इस्कॉन मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है, तो छोटा मगर अपने आप में बहुत ही अच्छा है। राधा कृष्ण जी का मंदिर है इस्कॉन टेम्पल। यह है बूढ़ा पारा झील, बूढ़ा तालाब गार्डन, जो उस तालाब के बीच में बढ़िया बना हुआ है। शिव जी का शिवलिंग भी बना है, भगवान बुद्ध की मूर्ति भी बनी है,
पिकनिक स्पॉट है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी पुरानी बस्ती के पास में ही है। अब यह है हजरा झरना, जो रायपुर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। प्राकृतिक का सौंदर्य समेटी हुई बहुत ही लंबा चौड़ा झरना है। जिन्हें नेचर से प्यार है वो तो बिल्कुल प्रभावित हो जाएंगे। समय निकाल कर फैमिली के साथ, और अच्छा तो आप हफ्ते भर घूम सकते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब क्या है, मेरा तो ननिहाल है, ससुराल भी है, और काफ़ी साल तक मेरा हमारा रहना भी हुआ था रायपुर में करके मुझे काफ़ी जानकारी है। ये राजीव गांधी वन है जो 12 किलोमीटर दूर है, जो राजीव गांधी जी की स्मृति पे बनाया गया है, बहुत ही शानदार है ये। और ये है बालाजी मंदिर, आनंद नगर में है ये, बहुत खूबसूरत मंदिर है ये, बहुत ही शांति मिलती है। भगवान बालाजी का मंदिर है, काफ़ी भीड़ रहती है, लोग आते हैं जाते हैं। यह है बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर, जो शीतला माता मंदिर यानी पुरानी बस्ती, महामाया मंदिर और बूढ़ा तालाब उसी के पास में स्थित है, श्याम टाकिज के पहले पहले। ये पौराणिक मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, इसका भी उल्लेख कल्याण पुस्तक, कल्याण ग्रंथ में मिलता है। ये आदिवासी लोग बूढ़ादेव करके इसे पूछते थे। ये सती रानी सती माता का मंदिर है, इसको सीता माता का मंदिर भी कहते हैं। अभी वो खारून नदी के तट पे ये झूला डाल दिया गया है, महादेव घाट हटकेश्वर महादेव में, ये सस्पेंशन ब्रिज वाला, और साथ में गार्डन भी है। ये अपने आप में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता है। थैंक यू।